सबसे पहले धरती के प्रणाम दो और हम का सम्मान करते हैं कि आपको भगवान से ये प्रार्थना करब कि खाली खेसारी ना जितने लोगों को मैंने सम्मानित किया है आज मैं कर रहा हूँ, ले ले फोटो ले। इस देश के प्रधानमंत्री सबको करे, मेरी शुभकामना तो यही है। इस पूरे गांव को सम्मानित होना चाहिए क्योंकि दीपक भैया ऐसे इंसान है भैया, नीचे उतर बोला पैर वाला का बता रहा कि गरीब हो या अमीर हो, जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो उसका मदद ही करते हैं। इस कोरोना काल में मेरे साले को कोरोना हो गया था और वो ओमान में था और मैं बहुत परेशान था क्योंकि मेहरारू के भाई है तो परेशान तो हुई ना जाए दुनिया में के परेशान ना होला, वही जगह पर तो सबसे ज्यादा परेशानी होला और बहुत प्रॉब्लम थी। तो मैंने भैया से संपर्क किया क्योंकि हमारा परिचय आज मुझे लगता है कि 4 साल से 5 साल से हाँ 5-6 साल से। लेकिन भैया का प्यार हमेशा हमेशा गुड मॉर्निंग, मैं भूल जाता हूँ गुड मॉर्निंग बोलना नहीं को, बट ये कभी अपने छोटे भाई को गुड मॉर्निंग बोलना नहीं बोलते। तो काम अतना बात लो तो जानते बड़ा जो 24-26 घंटा हम काम करेंगे। बबुआ के खुश करके जय भी ना अभी को भी गाने खाती एक्टिंग करने खाती झगड़ो हो गए बना ये सब करने के लिए आपके मनोरंजन के लिए अगर मैं मेहनत नहीं करूं तो शायद अगर वर्कर मेहनत ना करे तो लोगों को साबुन सरफ दुनिया जान कुछ भी मिलेगा जी? तो मैं तो वर्कर हूँ, आप सब तो मलिकार हैं जो कि खेसारी को इतना प्यार देते हैं। और हमारे बड़े भाई अनिल सम्राट जी जो कि ये अपने ही धरती के हैं और हमारे लिए ना छपरा दूर है ना आरा दूर है, हमारी माँ है भोजपुरी, हम सबका जिला एक है, हम किसी जिला एक जिला के आदमी नहीं है, हम आप सबके बच्चे हैं, चाहे वो मैं हूँ, अनिल सम्राट जी हों, बड़े भाई पवन सिंह हो, दिनेश लाल यादव हो, रवि जी हों या मनोज जी हों, धरती का कोई भी कलाकार किसी जिला का नहीं होता है, किसी जाति का नहीं होता है, वो समाज का बेटा होता है और वो लोगों के गोद में खेलता है। तो हमारे जीवन हमारे माँ बाप के सिर्फ पैदा करने से नहीं, आपके प्यार और दुलार से बड़ा हुआ है। और आज आप देख रहे हैं, हम माने तो बहुत कुछ है, नहीं माने तो कुछ नहीं है, ये पैदा कहीं और हुए, इनके अंश में एक लक्ष्मी की तरह हमारी भाभी माँ आई और आज इस पूरे समाज के एक बड़े भाई मुझे लगता है कि गार्जियन बन के यहाँ पे खड़े हैं ये, तो ये आप सबका प्यार ही तो है। हम अगर माने तो हमारे लिए कोई जिला और कोई इंसान बुरा नहीं है, हम नहीं माने तो हर जिले में बेकार व हर मदी में बेकार। तो जाति से बढ़के समाज होता है और समाज से बढ़कर आपका असूल होता है, तो हमेशा समाज के आपके बनाए हुए असूलों पर चलना चाहिए। तो कुछ ऐसा असूल बनाइए कि जीवन धारा ऐसे ही चलता रहे, बिना किसी को कुछ कहे, बिना किसी को कुछ गाली दिए, बिना मारे, बिना गरियाए, जीवन तो चलते ना अचल जाए। तो कोशिश करिए कि एक छोटे से धरती एक छोटे से गांव से होकर आज ओमान में इतनी बड़ी साम्राज्य इन्होंने खड़ा किया है कि भोजपुरी का कोई स्टार जाता है तो होटल में नहीं रुकता है। हम तो अभी एक बार नहीं की गई लेकिन जाए तो हम होटल में ना रुके, बट अब अपन के घर पर तो होटल के बिल भरला के कौन काम। तो बस कोशिश रहेला जी हर समाज के हर आदमी अपना गांव के जवार के जब बड़ा होला तो सबसे ज्यादा खुशी ये बात के होला कि हमारा है। तो यही विचारधारा से इंसान के अपन जीवन चलावे के चाहिए और रोड़ा तो पड़ते रही बढ़न, रोड बनावे खातिर रोड़ा डालन जाला तो जीवन में रोड़ा ना पड़ी, उवाई वो मजबूती खाती होला। तो कभी कष्टों से भागिए मत, हमसे ज्यादा कष्ट मुझे लगता है जी स्टारों में तो किसी को नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी मोहब्बत ने एक लेटी बेचने वाले आदमी को इतने बड़े स्टेज पे खड़ा तो कर दिया, आपका बेटा तो बना दिया। तो ये आपकी मेहनत और ईमानदारी है जो आपको गलत पहचान देती है। मैं कितना बड़ा हूँ नहीं ये मायने नहीं रखता, मैं समाज के लिए क्या कर रहा हूँ, अपने विचारधारा को कितना बांट रहा हूँ, मेरे काम से कितने खुश हैं ये मायने रखता है। पैसा कमाना अपने जगह पे है, दौलत कमाना अपने जगह पे है, हम पैसे से सामान खरीद सकते हैं, सम्मान तो कमाना ही पड़ता है, तो सम्मान के लिए हमें अच्छी कर्म करनी पड़ती है।
तो कोशिश करिए कि हम पैसे से ज्यादा अहमियत उस कर्म को दें जिस कर्म से 10 लोगों का भला हो जाए। तो कोशिश करिए, आज मैंने सम्मानित जितने लोगों के किया करीब सारे ब्राह्मण कुल के ही लोग थे, और मेरे लिए हर ब्राह्मण गुरु से ऊपर होता है, गुरु से बढ़ के होता है, और मैं बड़ा मानता हूँ क्योंकि मैं एक ब्राह्मण का ही चेला हूँ कमलाकांत मिश्रा जी का। तो मुझे हर ब्राह्मण कमलाकांत मिश्रा ही नजर आता है क्योंकि मैं ज्ञान लेता हूँ और वहीं से कुछ सीखा हूँ। तो इस धरती पे आके अपनापन महसूस हुआ मुझे, और ये मेरी धरती है, और मैं जब भी आता हूँ तो मुझे अपनापन महसूस होता है। मेरे लिए मुझे लगता है कि पूरा आरा जिला अनिल सम्राट नजर आता है, पूरा आरा जिला हमारे दीपक भैया नजर आते हैं, पूरा आरा जिला हमारे लिए पवन सिंह नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका प्यार ही है, हम मानते हैं इसलिए सारी हमारी नजर आती है। हम नहीं मानेंगे तो कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं। तो इसीलिए इंसान को इंसान का कदर करना चाहिए। जीवन में ऊपर नीचा चीजें होती रहती है और वही आपको बड़ा बनाता है, तो उसे घबराइए मत। और ऐसे ही प्यार अपने बच्चों को करते रहिए, अपने गार्जियन का सम्मान लेते रहिए, अपने बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद से आप बड़ा हो सकते हैं। तो हमेशा माँ बाप का कदर करिए। ये तो इनके अंश से पैदा नहीं हुए थे लेकिन इनके मन में श्रद्धा है, तो आज मान की सारी चीजों को छोड़ के उस पिता के लिए आ गए और उस पिता का आशीर्वाद लेने आ गए। तो कोशिश करिए कि आप भी अपने पिता हो या बुजुर्ग कोई भी हो उसका सम्मान करिए, हमारी माता बहन बेटी कोई भी हो उसका सम्मान करिए, क्योंकि हम किसी के कोख से पैदा होते हैं, वो भी किसी की माँ है, हमारी भी कोई माँ है, हमारी भी कोई बेटी है, वो भी किसी दिन माँ बनेगी। तो हर आदमी का सम्मान करिए, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। चाहेंगे कि अनिल सम्राट जी को लाल जी सम्मानित करें, साल देखें। साथ में मेरी वाइफ आज बीमार है।